अपने बच्चों की तरबियत का जितना आपने हक अदा किया होगा उतना ही उसका अजर आपके लिए है। लेकिन एक चीज यहाँ आपको बताती चलूं कि तरबियत तालीम से मुख्तलिफ होती है। सलमान अल औदा एक स्कॉलर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों को कैसे इस काबिल बनाते हैं कि वो नमाज से मोहब्बत करें, यानी बच्चों में नमाज की मोहब्बत कैसे डालें। तो उन्होंने कहा, पहली बात जो आपको करनी है कि उन्हें इस काबिल बनाए कि वो आपसे मोहब्बत करें, यानी बच्चों के साथ ऐसा सलूक करें कि जिसकी बिना पर वो आपसे मोहब्बत करें, क्योंकि तरबियत मोहब्बत के साथ होती है, ताल्लुक के साथ होती है। तालीम तो वैसे भी हो जाती लेकिन तरबियत मोहब्बत के बगैर नहीं होती। तो आप देखिए कि जो बच्चे भी आपसे दूर हैं या गैप है आपके और उनके बीच में, तो उनको सबसे पहले मोहब्बत देना शुरू करें, उनको अपना बनाएं, उनका एतमाद बहाल करें कि आप उनके खैरखा हैं और आपसे बढ़कर उन्हें कोई चाहने वाला नहीं। उसके बाद आप उनको नमाज का कहें, कुरान का कहें और चीजों का कहें। हम अपने उस रिलेशन को तो फिक्स नहीं करते और पहले ही हम उनको नसीहतों की बौछार कर देते हैं, जिससे वो और ज्यादा हमसे दूर भागने लगते हैं। तालीम और तरबियत में फर्क होता है। तालीम होता है मालूमात देना, ठीक है, तालीम क्या होता है, मालूमात देना। लेकिन तरबियत क्या होता है, उसकी शख्सियत को निखारना, संवारना, उसको कुछ अमल करने के काबिल बनाना, यानी बच्चों को। मसलन तालीम ये है कि आप बच्चों को नमाज का तरीका सिखाएं, दुआएं सिखाएं, दुआएं याद कराएं और मुख्तलिफ स्टेप्स उनको सिखाएं, रुकू ऐसे करना, सजदा ऐसे करना वगैरह वगैरह। ये आपने तालीम कर दी उनको, मसलन नाजरा कुरान पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हो गई तालीम। लेकिन तरबियत कैसे होगी, उस वक्त होगी जब आप उनको गले से लगा के ये पूछेंगे कि आपने सजदे में क्या मांगा था, अल्लाह से कौन सी दुआ की थी, ठीक है ना। इसी तरह तालीम है अहादीस याद करा देना, आयात हिफ्स करा देना, सूरतें याद करा देना। तरबियत क्या है, खाने की मेज पर मजाहिया अंदाज में, खुशगवार अंदाज में बच्चे से उसके दिन की मसरूफियात के बारे में बात करना, उन चीजों के बारे में उससे पूछना जो उसको बदर कर रही है। तालीम क्या है, मसलन आप उसको फिक्र पढ़ा देते हैं या साइंस होमवर्क करा देते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब माए अपने बच्चों को होमवर्क करा रही होती हैं। लेकिन तरबियत क्या है, बच्चे से प्यार के साथ स्कूल में होने वाले वाकयात और जो कुछ उसने देखा किया उस पर बातचीत करना, वहां से आप उसको गाइड करते हैं कि क्या ठीक था क्या नहीं था। हर बच्चा आके आपको 100 कहानियां सुनाना चाहता है और माँ बाप क्या कहते, चुप करो बातें बंद करो और तुम जरा काम जल्दी से करो, जल्दी से होमवर्क करो। वो दो लाइनें लिखता है फिर कहता है अम्मा ये वो मैं तुम्हारी टीचर नहीं कर, अब कहते चुप करो पहले होमवर्क करो। हम उसके सुनते ही नहीं, नतीजा क्या होता है, कुछ अरसे के बाद वो सुनाना बंद कर देता है हमारे इस बैन से जो मुसलसल लगाए रखते हैं हम उस पर। तो इसी से तो तरबियत का दरवाजा बंद हो जाता है। थोड़ी देर उसे कहा अच्छा चलो सुनाओ, बताओ मुझे क्या हुआ, सुन ले उसकी बात और फिर उस पर उसको रहनुमाई दें। मसलन अगर उसने टीचर के साथ कोई बदतमीजी की है या कुछ, तो उसको वहीं गाइड करेंगे कि उसका मकाम क्या है। क्लास फेलोज के साथ कुछ गड़बड़ की, खेल के मैदान में कुछ की, कैंटीन पे कुछ की, किसी को धोखा दिया, किसी को चीट किया या कुछ, ये किसी बच्चे ने आपके बच्चे के साथ ज्यादती की, तो उस पर कैसे रिएक्शन करना है, ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब आप उनकी बातें सुनेंगे। ये तरबियत होती है। इसी तरह तालीम क्या है कि आप उनको बाकायदा सीरत की कोई किताब पढ़ा दें, और तरबियत क्या है कि रात को गले लगाकर आप उनको कोई कहानी बगैर किताब के सुनाएं और फिर आप उनको ये एहसास दिलाएं कि हम आपके लिए हैं, वो आप पर इतना एतमाद करें जितना वो दुनिया के किसी और बंदे पे ना करें, फिर होगी तरबियत। और अगर ये नहीं, तरबियत नहीं हो सकती।